18 मीटर सेकंड। सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ जब हमारे पास टाइम है 3 सेकंड्स, तो कितनी आएगी? 26। 26, 26, 26। और अब मैं पूछूं जब स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जब टाइम 0 है, तो तब कितनी आएगी? टू, टू, और अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अब जो बॉडी है वो रेस्ट पे थी या मोशन पे थी जब टाइम 0 था? मोशन पे थी। मोशन मोशन पे थी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, तो हमारे पास मोशन पे थी। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम, नो मैम, ठीक। तो हमने यहाँ पे, अब फिर से आते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, ऐसी एवरेज स्पीड होती है। एवरेज वेलोसिटी में हम लेते थे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को, उन सबको ऐड करते थे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते थे। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे डिस्टेंस को लेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। और वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकाल रहे थे, यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकाल रहे हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। अगर मैं पूछूं एवरेज वेलोसिटी की, वो क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर, और एवरेज स्पीड स्केलर, स्केलर। स्केलर है, ठीक है। तो हम यहाँ से दोनों चीजें निकाल सकते हैं कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर। तो ये याद रखना, स्पीड के साथ कुछ भी लगा हुआ हो, पर स्पीड तो स्पीड है, वो स्केलर ही रहेगी। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो हल्का सा डिफरेंस होता है। जब हम वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो उसमें एक वेक्टर भी लगा होता है ऊपर एक्स्ट्रा, उसी से हम पता लगा सकते हैं। और जैसे अगर मैं पूछ रही हूँ एक्स और एक्स वेक्टर, इनमें से कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, डिस्टेंस बताना है, एक्स डिस्टेंस है और एक्स वेक्टर एक्स। डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो जब वेक्टर लगा हुआ होगा, तो उससे आप समझ जाना कि वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वरना वो स्पीड की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ लिया स्कूल में, यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो यहाँ पे वही मेंशनड है कि अगर मैं ले रही हूँ चेंज ऑफ डिस्टेंस और चेंज ऑफ टाइम, पर मैं टाइम ऐसा ले रही हूँ जो बहुत छोटा है, मतलब लिमिट dt ऑलमोस्ट 0, मतलब वो टाइम चेंज जो बहुत ही छोटा, मतलब जैसे 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब जो मैं स्पीड निकाल रही हूँ वो क्या हो जाते हैं, मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो मिलती है मेरे को फॉर्मूले ds/dt से। ये समझ आया सबको? यस मैम, और आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हो कि जब एवरेज आप निकाल रहे थे, तो एवरेज आप पूरे ट्रिप का निकालते हो, पर जब इंस्टेंटेनियस निकालते हो, या एक छोटे से टाइम का निकालते हो, जो एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें अ बॉय कवर्स डिस्टेंस ab ऑफ 2 किलोमीटर विद स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, कि हम ए से बी तक गए और डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा है 2 किलोमीटर, और कितनी स्पीड पे गए, 2.5 किलोमीटर पर आवर। फिर हम बी से ए तक आए, तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 2 किलोमीटर। अभी भी 2 ही करेंगे कि बी से ए तक आए वापस। और अब हमारी स्पीड थी 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें फिर से टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डिवाइड बाय करेंगे हम टोटल टाइम। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम, यस मैम। हाँ दूसरी चीज यहाँ पे एक स्पेशल हो रहा चीज हो रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आधे रास्ते तक तो एक वेलोसिटी से है और बचे हुए आधे में दूसरी उस पे स्पीड पे, सॉरी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो आप फॉर्मूला याद रखना कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे रास्ते की, जब हमने ट्रेवल करा v1 वेलोसिटी से, v1 स्पीड से, और बचा हुआ d हमने ट्रेवल करा है v2 स्पीड से, तो फर्स्ट वाले में टाइम कितना लगेगा ये बताओ। अगर मेरे पास है ये रिलेशन होता है, तो टाइम कितना लगेगा फर्स्ट वाले रास्ते में?
डी अपॉन वी वन लगेगा, यहां से टाइम निकाल सकते हैं डी अपॉन वी, यहां से आ गया डी अपॉन वी वन। यहां तक किसी को डाउट है कैसे लिखा है? डी नो मैम। ऐसे ही अगर मैं टी टू बोलू तो वो कितना हो जाएगा? डी अपॉन वी टू। डी अपॉन वी टू, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास अगर मैं फॉर्मूला बनाऊ एवरेज स्पीड का तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पूरा अगर एक बार डी कर रहा है और दूसरी बार भी डी कर रहा है? 4 किलोमीटर। 2D में 2D हम 2D बना रहे हैं, ठीक है 2D। और पहले वाले में टाइम था डी बाय वी वन, दूसरे वाले में टाइम हो गया डी बाय वी टू। तो अब मैं क्या करती हूँ, नीचे से भी डी को कॉमन ले लेती हूँ, 1/V1 प्लस 1/V2, डी से डी कट गया। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्या है, मेरी एवरेज स्पीड है उस केस में जब हमने दोनों बार आधा आधा रास्ता ट्रेवल करा है, और दोनों ही केस में जो क्या है हमारी जो वेलोसिटी है वो अलग हो गई। क्लियर है ये? यस मैम। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास V1 की वैल्यू दे रखी है 2.5, V2 की दे रखी है 0.5। तो आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करो। निलेश आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आंसर करेक्ट है। बाकी लोग एक बार ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है। एवरेज स्पीड की वैल्यूज पुट करनी है बस, 2 × 2.5 × 0.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 0.5। बी पार्ट मैम 0.83 किलोमीटर पर। 0.83 किलोमीटर पर आर हमारे पास क्या आ जाएगी, और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर। अच्छा मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं बोला आपने? क्वेश्चन में दिया है ना किलोमीटर, क्योंकि हमने सारी जगह किलोमीटर पर आर में दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो क्या बोलोगे? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? बैक आगे डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जितना आगे गए उतना ही पीछे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आया ये सबको? यस मैम। अब यही वो एक्सप्लेन करा है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास सबसे पहले अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 1, 2, 3 या 4? टू फर्स्ट। ओके, जो टू कह रहे हैं और फर्स्ट कह रहे हैं दोनों ही आंसर पॉसिबल है। वो अलग अलग केस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपको पूरा डिस्टेंस दे रखा है तो ये एक्स वाला ठीक है कि पूरे पाथ का ही निकालना है, और अगर आपको कि पूछा हुआ बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बताओ तो आपको चेंज निकालना पड़ेगा। तो वैसे प्रैक्टिकली यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्लियर है सबको? यस यस यस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला पूछूं तो उसका क्या? अच्छा वन सेकंड, अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड हो जाएगा। ये वही सेम केस है जो भी मैंने करवाया कि हमने आधा डिस्टेंस ट्रैवल करा एक स्पीड से और बचा हुआ आधा करा दूसरी स्पीड से। तो आप एक स्पीड निकाल सकते डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब क्वेश्चन ऐसा तो लिखा नहीं है कि हम वापिस आए आधा डिस्टेंस। हाँ उससे कोई मतलब नहीं है मेरे, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उससे मतलब नहीं होता आगे जा रहे पीछे जा रहे। जैसे उस वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे बना सकते थे कि एक स्ट्रीट लाइन ले लेते ए, ये बी और ये बीच में सी, तो ये भी 2 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपने स्पीड बदल दी है, पर वेलोसिटी जब आप वो निकालोगे ना एवरेज वेलोसिटी, उसमें वो मैटर करेगा क्या वापस आ रहे हो, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास क्या है, आदमी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करा वेलोसिटी वी से और बचा हुआ एक्स भी ट्रैवल करा वेलोसिटी वी से, और इस केस में हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, स्पीड नहीं बतानी है, तो ये आप लोग ट्राई करके लाओगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं एक बार। उसमें हमारे पास एक ट्रेन है, वो 2 मीटर लॉन्ग है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है हमें, और हमें बताना है उसे कितना टाइम लगेगा एक ऐसे ब्रिज को पार करने में जिसकी लेंथ 800 मीटर है। तो आपको डायरेक्ट पहले डिस्टेंस सोचना है क्या होगा, वेलोसिटी आपके पास गिवन है, और उससे आप टाइम निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। उसमें हमारे पास पहले बोला हुआ है कि 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड्स में, फिर बोल रहा है वो कि और 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकेंड्स में, और हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस लेके अपॉन टोटल टाइम। तो फिफ्थ यस क्वेश्चन मैम, तो बहुत इजी है, इजी हो जाएगा। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट, बाय मल्टीप्लाइंग 5/8 जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देती हूँ कि अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो अगर आपको डाउट हो तो आपके पास आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशंस भी है, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास में उनके डाउट्स ले आना। अब यहाँ पे है ग्राफिकल मीनिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम मैंने आपको पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स में, मैंने बताया था किसी भी पाथ पे हम टेंजेंट बताते हैं, तो वही हमारी क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। और एक और चीज से हमें डायरेक्शन पता चलती है, स्लोप या फिर टैन थीटा, और इसका फॉर्मूला था y2 - y1 x2 - x1। याद आया ये सबको? यस मैम, यस मैम। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने दो ग्राफ लिए। यहाँ पे हमने पोजीशन लिया है वाई एक्सिस पे और टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ वाई एक्सिस मतलब चेंज ऑफ यहाँ पे क्या हो रही है, पोजीशन, और चेंज ऑफ एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ टाइम। ये समझ आया सबको कैसे लिखा है मैंने? यस मैम, यस यस मैम। मैम। और ये मैंने अभी बताया था, ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो जब भी हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और हम स्लोप बनाएंगे तो इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू बता रहे हैं। अब दूसरी चीज, ये जो पहले वाला ग्राफ है इसमें आप देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो एक फिक्स एंगल बना रही है, कि कभी भी आप कहीं किसी भी पॉइंट से एंगल देखोगे एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा ही वैल्यू देगा। तो इसमें जो स्लोप आता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब स्लोप की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है, तो फिर हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम आ रही है। पर वही अगर हम सेकंड वाले ग्राफ को देखें तो एक कर्व है, तो हर पॉइंट को अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट अलग अलग एंगल बनाता है, इसीलिए हर पॉइंट के साथ हमारा स्लोप बदल रहा है क्योंकि टैन थीटा बदल रहा है, इसीलिए हमारे पास वेलोसिटीज बदलती रहती हैं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम, ठीक है, तो यस। हमारे पास जब जब तक स्ट्रेट लाइन पाथ है जब तक क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूं, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं? तीन तीन तो करेक्ट, इसमें कितनी बार वेलोसिटी बदलेगी? तीन बार 3 बार। जिसने बोला आंसर करेगा, कौन बोला 3 बार? 2 बार बदलेंगी आई थिंक। 2 बार बदलेंगी। देखो जब हमने यहां से स्टार्ट किया तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा उसके बाद यहाँ पे चेंज हो गई, स्ट्रेट लाइन बदल गई, फिर वो सीधा सीधा मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे उसका स्लोप बदल गया, तो 2 बार हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप्स बदल रहे हैं। ये समझ आया यस सबको? मैम, यस मैम। तो इस पूरे पे हमारी एक वेलोसिटी रहेगी, फिर
फिर इस पूरे में एक वेलोसिटी रहेगी और इस पूरे में एक ही वेलोसिटी आएगी। अब यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन एक क्वेश्चन है कि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, हमें एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द टाइम 2 to 4 seconds और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है 4 to 6 seconds, फिर हमें बतानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड जब टाइम 1 second है एंड फिर जब टाइम 3 seconds है। तो पहले एक बार ग्राफ को देखकर बताओ यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइंस हैं? 3 और 3। ठीक है, कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज पे हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज होएगी, किस किस पॉइंट पे? 2 और 4। हाँ, 2 पे चेंज हो रही है, करेक्ट, और 4 पे चेंज हो रही है। 4। ठीक है, अब ये तो टाइम आप बता रहे हो और इन्हीं की करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 है, ये 20 है और ये 30। यहाँ तक डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो मैम। अब अगर हमें बताना है सबसे पहले पार्ट में एवरेज स्पीड, तो हमें उसने पूरे उसमें नहीं पूछा है, उसने बस 2 से 4 seconds के लिए पूछा है। तो एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे तो हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो अब आप बताओ 2 से 4 seconds जब हुई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 20। अच्छा, केशव कह रहा है 20। और कोई आंसर करना चाहता है? मैम फिर से क्वेश्चन बोलना। मैं कह रही हूँ जब टाइम 2 to 4 seconds हुआ उस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने? 10 meters। अच्छा, निलेश कह रहा है 10 meters। और भी कोई बोल दो। नहीं नहीं सॉरी, 20 ही होगा। देखो यहाँ पे क्या है, जब 2 seconds पे था जब तक वो 10 meters करा था उसने, जब 4 seconds पे है तो उसने स्टार्टिंग से 30 meters करा, तो 2 से 4 के बीच में कितना करा उसने? 20 करा। करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि हमारे पास फाइनल पॉइंट है 30 और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो 10 से हो रहा है। ऐसे ही टाइम कितना लग रहा है जब उसने 20 ट्रेवल करा? 2 seconds। 2 seconds, 4 से 2 seconds के बीच का टाइम। तो यहाँ से हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 10 meters per second। ये समझ आया सबको कैसा आया पूरा? यस मैम। यस मैम। अब अगर हम बात करें सेकेंड वाले पार्ट की, जब टाइम जा रहा है 4 से 6 seconds, तो उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 0। 0 करा है। हमारे पास यहाँ टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस सेम ही आ रहा है, 30 पे ही खड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा हो गया 0 और टोटल टाइम 2 seconds। 2 seconds पर 0.2 तो 0 ही हो गया। करेक्ट। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड बतानी है हमें जब टाइम 1 second है। तो मैं 1 second यहाँ टिक कर देती हूँ। तब ये बताओ 1 second की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इस स्लोप के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि सेम वेलोसिटी पे स्लोप सेम होती है। क्योंकि सेम स्लोप पे वेलोसिटी सेम होती है, ऐसे बोलना था? यस मैम। ठीक, पूरे रास्ते में जो है इस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कहीं कहीं पे भी देखेंगे तो स्लोप सेम आता है, और क्योंकि स्लोप सेम है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी और स्पीड क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो मतलब y2 - y1 / x2 - x1। स्लोप निकालने के लिए आप ऐसे दो पॉइंट लोगे जिसमें आपको दोनों चीजें पता है, x वाला कोऑर्डिनेट भी और y वाला कोऑर्डिनेट भी 100%। जैसे अगर मैं ये पॉइंट लू तो मेरे को दिख रहा है कि जब x वाला कोऑर्डिनेट 2 seconds हो गया तो y वाला 30 meters हो गया। ऐसे ही अगर मैं ये वाला 10 हो रहा है, सॉरी मैं ऐसे ही जब हमने क्या करा x को 0 रखा तो y वाला कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। हाँ,
तो अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वाई टू की वैल्यू हो गई 10 और वाई वन की 0। एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 2 और एक्स वन की 0। हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछा है स्लोप, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड्स, तो उसके लिए हम ये वाला स्लोप निकाल सकते हैं, ये जो सेकेंड लाइन है, हम ये 2 एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। तो अब अगर मैं स्लोप लिखूं फिर से y2 - y1 x2 - x1, तो y2 क्या हो जाएगा? 30 और y1 10 और x2 4 और x1 2। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा फिर से? 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास क्या आया? हम वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास 3 सेकेंड पे होगी जो इस पूरे रास्ते पे है, और वही इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 सेकेंड पे होगी जो इस पूरे पाथ पे है। समझ आया ये सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमने 2 ग्राफ लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि जब मेरे पास 2 सेकेंड्स हुई तो आपने ट्रेवल करा है 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स हो गई मतलब 4 सेकेंड हो गई तो आपने ट्रेवल करके पहुंच गए आप 20 पे, फिर अगली 2 सेकेंड हो गई तो आप पहुंच गए 30 पे। तो अगर आप इस ग्राफ से ध्यान से देखो तो हर 2 सेकेंड में आप 10 मीटर कर रहे हो। पहले फर्स्ट 2 में भी आपने 10 करा, फिर अगली 2 सेकेंड में भी आपने 10 मीटर ही ट्रेवल करा, फिर उससे अगली 2 सेकेंड में भी आपने 10 मीटर ही ट्रेवल करा। ये समझ आ रहा है सबको जो मैंने बनाया? यस मैम। यस मैम। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर 10 सेकेंड 10 मीटर को पार कर रही है 2 सेकेंड्स में। तो ऐसा जो मोशन होता है इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल थीटा फिक्स हो गया तो हमें कॉन्स्टेंट स्लोप मिलता है, तो स्लोप कॉन्स्टेंट हो गया तो हमारे पास वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट हो जाती है। ये समझ आया सबको जो मैंने बोला है सारा? यस मैम। यस मैम। अब हमने क्या किया, दूसरा ग्राफ लिया, इसमें क्या करते हैं जब हमारे पास टाइम 2 सेकेंड्स था तो मान लेते हैं कि हमारी पोजीशन है 10, फिर आप ग्राफ से भी देख सकते हो जब टाइम 4 हो गया तो हमारी पोजीशन हो गई ऑलमोस्ट 30। तो हमने क्या किया, पहले 2 सेकेंड में तो 10 मीटर ट्रेवल करा पर अगली 2 सेकेंड में हमने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब टाइम तो सेम रहा पर जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे थे वो सेम नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। और क्योंकि यहाँ पे कर्व पाथ मिला है मतलब स्लोप बदल रहा है, और स्लोप बदलने का मतलब क्या है, कौन सी टर्म भी बदल रही है? वेलोसिटी बदलती जा रही है हर पॉइंट पे। तो क्लियर है दोनों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यस मैम। ओके, अब हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसको समझने से पहले ये देखते हैं कि अभी तक हम कर क्या रहे थे। हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे थे, ये हमें पोजीशन बताता था, ये टाइम। हम थीटा जब हम ड्रॉ करते थे तो हम स्लोप निकाल सकते थे, और स्लोप क्या बता रहा था, चेंज ऑफ पोजिशन With change of time, ये बता रहा था स्लोप अभी तक। Yes, ma'am. और इस टर्म को क्या बोल रहे थे, instantaneous velocity. अब हमने क्या किया, velocity और time का graph बनाया कि x axis पे time है और y axis पे velocity. हम mostly x axis पे time इसलिए रखते हैं क्योंकि time हमारे हाथ में है, कम ज्यादा कर सकते हैं, हम रोक दिया फिर अब measure कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर velocity हमारे हाथ में हमेशा नहीं रहती। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया
इसमें भी अगर हम स्लोप निकालें टैन थीटा चेंज ऑफ वाई वाली चीज अपॉन एक्स वाली चीज, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलता है इंस्टेंटेनियस। ये समझ आया सबको? यस मैम। जैसे वहां पे हमने चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम लिया था, यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम आया और वो हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब अगर मैं आपको एक रेक्टेंगल देती हूँ और यहाँ पे जो लेंथ ये वाली है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, और जो ब्रेथ है उसकी यूनिट है सेकंड, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर 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 हो जाएगी। हमने क्या मीटर किया, मीटर पर सेकंड थी लेंथ, सेकंड हमारी मीटर थी, तो हमारा आंसर आ गया मीटर। तो ऐसे ही अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कोई भी रैंडम शेप बनी हुई है और मैं उसका एरिया निकालूं, तो मतलब मैं एक तरीके से वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके मेरे को मीटर आ रहा मिल रहा है, इसका मतलब मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मेरे को मिलता है एक्सेलरेशन, क्योंकि वो चेंज देख रहे हैं टाइम के साथ, पर जैसे ही मैंने वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को एरिया मिल रहा है और एरिया से मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। और जैसे इंटीग्रेशन में हमने देखा था एरिया निकालते कैसे हैं, तो ऐसे सेम फॉर्मूला यहाँ पे कि हमने जो वाई वाली चीज थी वो यहाँ पे वी है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास चेंज ऑफ टाइम है, और फिर हमने अगर टाइम की कंडीशन लगा ली क्वेश्चन में कि अगर हमें बताओ कि 2 से 4 सेकंड तक का ही बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट, तो हम वो भी लगा सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर है द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मतलब कि ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया एक पार्टिकल ने मूव करना, और यहाँ पे जो ग्राफ में उसकी वेलोसिटी दिखा रखी है कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कैसे बदल रही है, और हमें बताना है कि जब टाइम 5 सेकेंड है तब उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन का मतलब है बेसिकली तब तक का उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगर हम इस 5 सेकेंड्स को भूल जाएं, अभी के लिए आप भूल जाओ, तो पहले मेरे को ये बताओ कि अगर जो ये जो पूरा पाथ है यहां से ये अगर हमें इसका एरिया निकालना है, तो आप कितनी शेप्स को लेके बता सकते हो? जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर, आप कोई भी शेप लेके कितनी शेप्स का एरिया आपको निकालना पड़ेगा मिनिमम? टू अच्छा, नीलेश ने बोला है 2। कौन सी शेप्स नीलेश? रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ट्रायंगल और रेक्टेंगल से कैसे नहीं मैम, रेक्टेंगल और रोम्बस। रोम्बस क्या होता है केशव? मैं ट्रेपीजियम और स्क्वायर से। करेक्ट रामिक, ट्रेपीजियम से निकलेगा। रोम्बस क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे रोम्बस बन रहा है कहीं पर? नहीं मैम, ये ट्रेपीजियम और रोम्बस में ना चक्कर ही रहता है। अच्छा, बहुत फर्क है। ये होता है ट्रेपीजियम। अगर मैम हम 2 से 4 वाले को एक रेक्टेंगल में बांटें और 4 से 6 वाले को भी बांटें, फिर हाँ, कर सकते हो आप, सिक्स आपकी मर्जी है। आप यहाँ से कर सकते हो कि 1 से 2 तक का आपने ट्राइंगल रखा, फिर 2 से 4 में एक और रेक्टेंगल बना दिया, 4 से 6 में एक और रेक्टेंगल बना दिया, और फिर एक और ट्रेपीजियम कर दिया। और एक और तरीका है जैसा अनिक ने बोला था सबसे पहले कि हम लोग शॉर्टकट कर सकते, इतने बार बार क्यों कैलकुलेट करें। हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ट्रेपीजियम ये हो गया और एक ऊपर एक छोटा सा पार्ट हो गया। ऐसे ही बोला था अनिक आपने? यस मैम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही चीजों का एरिया निकालना है, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले मेरे को ये बताओ एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स साइड्स इनटू हाइट। हाफ इनटू हाइट
और सम ऑफ पैरेलल साइड बी वन प्लस बी टू, कुछ भी हो सकती है. अब अगर हमें यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां तक का एरिया बताना है, उसके बाद का हमें मैटर नहीं करता. तो यहां तक का एरिया निकालने के लिए कितनी शेप चाहिए होंगी? दो ही चाहिए होंगी पर आधी आधी. दो ही चाहिए होंगी पर आधी आधी. कौन सी आधी? पहले फुल का एरिया निकाल लो, फिर उसको दो से डिवाइड कर दो. फुल का एरिया कहां से लाओगे? फुल का आप कोऑर्डिनेट्स बताओ, कौन कौन से जोड़ते जा रहे हो यहाँ पे? सबके नंबर लगे हुए ना, 1 2, इनको जोड़ो. मैं नहीं समझे मैं क्या बोल रहे हो. मैं बोल रही हूँ कौन से, मैं यहाँ ना सारे पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ. ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई. हाँ आप बताओ किनको जोड़ा आपने. मैं ट्राई हाँ बोलो नीलेश. एक तो हम 2.2 और 0.0 और 2.0 वाले का ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करके निकाल सकते हैं. फिर उसके बाद 2 से लेकर 4 तक का रेक्टेंगल स्क्वायर का निकाल सकते हैं. फिर उसके बाद ये जो स्ट्रेट रेक्टेंगल बन रहा है उसका निकाल देंगे. तो ट्रेपेजियम आपकी डिक्शनरी में नहीं आता ना, ये दो अलग अलग टुकड़ों में क्यों निकाल रहे हो इसको और इसको? ये पूरे ट्रेपेजियम बन तो रहा है. जो ट्रेपेजियम है सीधे हम इसमें डब्बे गिन लेते हैं. क्या बोल रहे हो केशव? मैम इसमें डब्बे गिन लेते हैं कितने होते हैं मैम. तो 3 4 7 और 8 डब्बे हो जाएंगे. 9 9 हो जाएंगे टोटल डब्बे. डब्बे एरिया. अच्छा डब्बे गिन के. अरे सर हमेशा डब्बों में ना हो तो. मैम ग्राफ तो डब्बों में ही होगा. और अगर एग्जैक्टली हाफ में ना आए तो उसमें कैसे करोगे डब्बे? बीच में से अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये डब्बा कितना गिनोगे? 1/3 1/4 कितना? मैम 0.94 बोल देंगे. हाँ हाँ तो मैम भी मार्क्स भी 0.99 दे देगी फिर स्कूल में. डब्बों से नहीं कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हमें शेप देखनी है. जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें दो शेप दिख रही है. आपकी मर्जी, आप ये ट्रेपेजियम इतना ले सकते हो, ये पूरा भी यहाँ तक भी ले सकते हो, ऊपर वाला छोटा स्क्वायर ले सकते हो. जैसे यहाँ पे अगर एक तरीका है कि आप क्या करो, ये दो शेप ले लो जो मैंने अभी बनाई है, या फिर ये दो शेप ले लो, ठीक है? या फिर अगर आपको ट्रेपेजियम का नहीं आना है तो आप ये तीन भी ले सकते हो. यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया और एक बड़ा रेक्टेंगल हो गया, और फिर इनका एरिया निकाल सकते हो. इतना समझ आया सबको? यस मैम. 9 आ जाएगा. हाँ 9 आ जाएगा. डब्बे गिन के करा है ना? नहीं मैम. तो अगर हम बात करें पहले ट्रेपेजियम को देखते हैं. ए यहाँ पे मैंने इसको नाम देती हूँ एम और ये एन. ए एम एन ई, ये अगर मैं ट्रेपेजियम ले रही हूँ तो मेरे पास हाइट कितनी हो जाएगी? वाई वाली डायरेक्शन में होगी या एक्स वाली डायरेक्शन में होगी हाइट? वाई वाई वाली में. और ये हो जाएगी 2. यहाँ से यहाँ तक हम गए 2 यूनिट्स, तो 2 हो गई. अब बेस जो ये वाली की मैं बात कर रही हूँ वो कितना हो जाएगा? 4. और ऊपर वाला बेस कितना होगा? 2. क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 से 4 तक गए हैं, तो 2 ही यूनिट ट्रेवल करिए. अब इसके अलावा हमारे पास एक ये लंबा सा रेक्टेंगल बच गया है. अब आप दोनों नहीं बोलोगे नीलेश और केशव, उसके लिए रेक्टेंगल के लिए जब हम एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या ले सकते हो आप? बाकी स्टूडेंट्स आंसर कर दो. आप लेंथ क्या लोगे बता दो. कहाँ गए निखिल वगैरह साहिल? मैम 3. अच्छा हाँ करेक्ट. लेंथ हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3, कि हम पूरी हाइट गए यहाँ पे इतना 3. और ब्रेथ कितनी हो जाएगी मैम? 4 और 6.
हम देखो फोर से फाइव तक गए हैं, बस एक ही डिस्टेंस गए हैं, तो वन हो जाएगी। समझ आया साहिल कैसे बोला मैंने वन? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेड हो गई वन। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से हमारे पास आया एरिया सिक्स और नीचे से वाले से आया थ्री, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 6 + 3 9। ये समझ आया सबको? यस मैम। बाकी लोगों को आया समझ कैसे करा है हमने? यस मैम। तो हमें बस एरिया निकालना है, जो भी शेप होगी आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ट्रेपीजियम का याद नहीं है तो ट्रेपीजियम को एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में तोड़ लो। उनका भी याद नहीं है तो और ज्यादा तोड़ लो, आपको जिस हिसाब से कर, पर डब्बे गिन के मत करना, हमेशा डब्बे आधे आधे नहीं होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फुल ब्लॉक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर। तो पूरे फिगर का तो आ रहा है, पर आधा कैसे करोगे? हमेशा आधा थोड़ी है, ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है ऐसे कि आपने उसका हाफ कर दिया। निलेश समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, मैं ऐसे ही लिखा हूँ। हाँ, अगर मैं एक बात बता दो मैम, ट्रेपीजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम की शेप बता दो कैसी कैसी होती है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम और उसमें फर्क बता देती हूँ। ये क्या है? ट्रेपीजियम है, ठीक है, और ये एक रोम्बस है। रोम्बस पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, जैसे आप नॉर्मल पैरेललोग्राम बनाते हो ना, रोम्बस वैसा ही दिखता है। ऐसे ही बनाते हो आप मैम? रोम्बस का एरिया हाफ इनटू डी वन इनटू डी टू होता है। हाँ, हाफ इनटू डी वन इनटू डी टू। पर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ट्रेपीजियम की, तो आप देखो इसमें एक साइड जो होती है वो सीधी होती है और एक ही साइड स्लांटिंग है। केशव समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यस मैम। तो अगर आपको वो करना है कभी भी दोनों में डिफरेंस देखना है, तो जिसमें सिर्फ एक साइड सीधी है बाकी सारी प्रॉपर अलग अलग जा रही हैं, तो वो हमारे पास ट्रेपीजियम हो जाएगा। और अगर जो हमारे पास जो नॉर्मल पैरेललोग्राम जैसा दिखता है वो हमारे पास रोम्बस हो जाता है। ठीक है, और जो आप वो डब्बे बना रहे थे, मैं उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रही थी कि अगर मेरे पास ऐसा ट्राइंगल है, ये जो मैंने ऊपर बनाया, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप डब्बे नहीं काउंट कर सकते, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस ट्राइंगल का क्या एरिया हो जाएगा, ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ करा है? सब लोग आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, निलेश और केशव आंसर नहीं देंगे, चैट बॉक्स में लिख दो बस, मैं पूछनी थी कैसे आ रहा है। बस ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करा है, इसका एरिया कोई आंसर नहीं कर रहा आज, कहाँ गए सब लोग? आदित्य, दिव्या कहाँ गए आप? कनिका, अंशुमन आंसर कर दो यार। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ठीक है, बेस और हाइट ही बता के आंसर कैलकुलेट करो। एरिया तो ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर नहीं समझ आया तो मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्राइंगल कितना बोल रहे हो? थ्री थ्री नहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार। आदित्य ने बोला है टू, तो आंसर हमारे पास देखो, अगर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ फिर मैं को आंसर बताना। हमारे पास जो बेस है, अंकित ने बोला है हाफ, करेक्ट आंसर। अंकित अभी भी नहीं आया है। यहाँ पे जो हमारा बेस है वो हमारा 8 से 10 तक जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस जा रहे हैं हम? 8 से 10 तक अगर हम जा रहे हैं तो कितना ट्रेवल कर रहे हैं? टू यूनिट्स। तो हमारा जो बेस आ गया वो क्या है? 2। और जो हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम 2 से 3 तक जा रहे हैं। अब कितना ऊपर जा रहे हैं हम? 1 यूनिट। 1 यूनिट।
तो हमारी हाइट हो गई है 1, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब समझ आए आप लोगों को? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो केशव। मैम अगर यही ट्रायंगल थोड़ा थोड़ा और आगे होता, मतलब थोड़ी सी हाइट में बड़ा, थोड़ी सी हाइट में वो होता, हाँ। ना आधा ना पूरा, तो कैसे निकालते वो? अगर वो जब तक वो ग्राफ में मार्क नहीं करेगा तब तक आप राउंड ऑफ ही करोगे, एरर ही निकालोगे, कुछ ना कुछ की थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो ऐसे केस में ऐसा बनाएगा नहीं, वरना वो आपको पॉइंट बता देगा कि इस पॉइंट के लिए बीच में वैल्यू दे देगा आपको, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है? यस यस मैम। अब यहाँ पे है एवरेज एक्सेलरेशन, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, एनिमेशन से वो ड्रॉप हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा वो आप गेस कर सकते हो, जब आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल गई, एवरेज स्पीड पता चल गई, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, या फिर डीवी अपॉन डीटी। और एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर होगी या वेक्टर होगी? वेक्टर। वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें जब भी निकालना है, मतलब टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कैसे बताओगे? dv/dt से हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। और अगर मैं पूछ रही हूँ कि इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम में लिमिट कितनी लगती है, dt टेंड्स टू क्या? जीरो। जीरो जीरो की टाइम क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें हमें बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का जब टाइम हम ले रहे हैं 2 से 4 सेकेंड्स। तो पहले तो ये बताओ, इस वाले पाथ में, ये जो स्ट्रीट लाइन पाथ है, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रह रही है? वेलोसिटी। वेलोसिटी स्लोप। वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट रह रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही है। और वेलोसिटी का यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे जब आप स्लोप निकालोगे टैन थीटा, तो हो जाएगा डीवी अपॉन डीटी। थीटा हर जगह सेम है तो ये वैल्यू हर जगह सेम है, तो डीवी बाय डीटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन हर जगह सेम है। समझ आया ये सबको? यस मैम। दिव्य आप सो गए? दिव्य सो गई है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन कैसे देगा ये समझ नहीं आया। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैम ये तो पता है एक्सेलरेशन होता है, पर ये टैन थीटा डीवी अपॉन डीटी क्यों लिखा, ये नहीं आया समझ। जब एक ट्राइंगल लेते हो, जो मैंने बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हो। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी और बेस टाइम है, उससे आया है। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अगर मेरे को इस केस में बताना है कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रहा है और स्लोप क्या है वो फिक्स हो रहा है। तो अगर मेरे को इस केस में अब ये बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, तो कैसे निकालोगे? y2 - y1 upon x2 - x1। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 से 4 सेकेंड का निकालना है, तो हम उसी का स्लोप यूज करेंगे। तो 2 से 4 के लिए y2 - y1 upon x2 - x1। y2 क्या लोगे 2 से 4 में? 10। 10 लोगे आप। और y1 क्या लोगे? 6 लोगे। x2 क्या हो जाएगा? 4। और x1? 2। हाँ, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2। और यूनिट क्या होंगी इसकी? m/s² m/s². ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ये तो बता दो, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई टॉपिक में डाउट है तो वो बता दो।
कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। चलो सब सो गए आज, नींद में हो रहे सब, है ना। आज ठंड ज्यादा हो गई है ना। मैम लगता है कल छुट्टी है इसलिए। यस कल किस चीज की छुट्टी है? कल मैम, अभी छुट्टियां पड़ सेवन गई डेज हैं की 16 तक। हॉलीडेज है। 7 days की हॉलीडेज है। क्लासेस तो होंगी अभी। ऑनलाइन स्कूल में स्कूल में है। चलो कोई नहीं, फिर तो आज सब मूवी मैम देखे। हमारी नहीं होंगी कोई भी क्लासेस क्यों नहीं होंगी? मैम, हमारे स्कूल वाले पता नहीं कैसे हैं। कभी अच्छा, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर नहीं हुए हैं, पर वो फिर भी नहीं लेंगे। अब हो जाएगा, वो कवर हो जाता है, लास्ट तक वो कर देते हैं। सब स्कूल्स में ऐसे ही मैम तो होता रिवीजन कब करेंगे फिर? है, वो ऐसे ही चलता रहता है स्कूल्स में। कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर, लास्ट तक ऐसे ही करते रहते, फिर लास्ट में वो 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो फिर से अगर स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहे हैं। जिस स्कूल में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, मेरे से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, हमारे नहीं हुए कुछ भी प्रैक्टिकल स्टार्ट। अभी फिजिक्स वाले सर करवाएंगे, वो हमसे पूछते हैं जो आपको चाहिए क्या करना है, आप वो खुद ही बता दो। अच्छा खुद ही बता दो वही कर। हमारे फिर स्मार्ट बोर्ड लगा है ना हमारे, तो स्मार्ट बोर्ड में सब कुछ करा देते हैं वहां पे। चलो अच्छी बात। तो यहाँ पे ये समझ आया, 2 मीटर पर सेकेंड आया, स्क्वायर आया। यस मैम। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अगर मैं पूछू तो? LT-2 एल टी LT-2 तो एक्सेलरेशन चाहे कोई सा भी हो, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, तो डायमेंशन फॉर्मूला वही सेम हो जाएगा, LT-2। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया डी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे पूछू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो क्या आएगा? टू टू मीटर पर सेकेंड और अगर मैं पूछू एट टाइम इक्वल्स टू 8, तो भी टू ही। तो भी 2 ही आएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में क्या है, एक्सेलरेशन सेम दे रहा है, किसी भी टाइम पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब क्योंकि कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, तो मैं भी और आगे नहीं पढ़ाऊंगी, सब लोग सोने के मूड में हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो। केशव, आपका डाउट वो क्लियर हो गया था जो आपने पूछा था मेरे से? चलो यस मैम। ठीक है, कोई बात मैम पर आज हमारा टेस्ट ही नहीं हुआ मैम। नहीं, फिर ले लेंगे सर टेस्ट, है ना। कोई क्लास एक भी पीरियड नहीं लगा। हम छुट्टी पड़ने वाली है ना, तो सब टीचर भी मस्ती के मूड में आ गई है अभी। और किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। चलो गुड नाइट देन एवरीवन। गुड नाइट मैम। मैम हाँ, जो लोग अभी सुन रहे हैं प्लीज कल आंसर कर लेना, कल अपने आप को चार्ज करके लाना, थोड़ा समझ लेना क्लास में भी।